आज मैं आपको फोटोशॉप 7.0 के अंदर स्किन को कैसे स्मूथ करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले जिस भी इमेज को आपने रिटचिंग करनी है आपने ओपन कर लेना है, तो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल जे बटन प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल जे बटन प्रेस करेंगे आपकी डुप्लीकेट लेयर हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का ऑप्शन लेना है। तो यहाँ पे हमने ब्राइटनेस 7 कर दिया और कंट्रास्ट यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे और ओके कर दिया है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल ई करेंगे ये मर्ज हो जाएगी, देख सकते हैं इमेज के अंदर काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। अब एक ही स्टेप फॉलो करना है, फिल्टर पे जाना है, गाशिन ब्लर करना है। और यहाँ पे जैसे गाशिन ब्लर करेंगे ना, इस पर ध्यान रखना, क्योंकि इस पर क्या होता है कि कई बार ब्लर बड़ा ज़्यादा ब्लर हो जाता है। आपको थोड़ा ब्लर करना है, मतलब इतना करना है कि जितने में आपको इमेज भी थोड़ी थोड़ी दिखनी चाहिए, मतलब ज़्यादा ब्लर नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे दिख रही है थोड़ी थोड़ी इमेज और ब्लर हो चुकी है। तो आपने यहाँ पे मैंने 8.2 के करीब फिल कर लिया, ओके कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्ट बटन को प्रेस करना है। ध्यान से सुनना, अल्ट बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे सेकंड वाला जो बटन है ना, लेयर मास्क वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकेंगे यहाँ पे क्या आ चुका है। देखिए, आपके पास एक फ़ोटो है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर है, तो आपने ब्लैक कलर पे जब क्लिक किया ना, इसका अपोजिट कलर चलाना है ब्रश। तो अपोजिट क्या होता है ब्लैक का, यहाँ पे अपोजिट चला रहे हैं ऊपर वाला वाइट, मतलब ब्लैक होगा तो आपने वाइट चलाना है, ठीक है, वाइट कलर चला रहे हैं। और यहाँ पर आपने ब्रश ले लिया है, ब्रश आपने ले लेना है। और ब्रश लेने के बाद ना, सबसे मेन जो चीज़ होती है वो आपका फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि फ्लो ही डिपेंड करता है कि ब्रश किस प्रकार से आपका काम करने वाला है। तो जितना ज़्यादा फ्लो छोड़ोगे उतना ज़्यादा ब्रश ज़्यादा स्पीड में चलेगा। तो हम क्या करेंगे, फ्लो आपने यहाँ पे 20% से कम रखना है, 20% से आपने फ्लो कम रखना है। और यहाँ पे मैंने 17% रखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद आपने ब्रश फेरना स्टार्ट करना है। अब मैं पहले यहाँ पर बताऊँगा कि मैं इस साइड ब्रश फेरूँगा, ठीक है, स्टार्ट में यहाँ से करूँगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले जूम कर लेना है। इमेज को जूम कैसे करते हैं आपको पता ही है, यहाँ से जूम बट टूल मिल जाता है, आप जूम कर सकते हैं। नहीं तो आपने अल्ट बटन को प्रेस करके जैसे व्हील नीचे की तरफ करते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका जूम हो जाता है। यहाँ पे हम फेरते हैं पहले ब्रश, तो मैं यहाँ पे ब्रश फेरना स्टार्ट कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं स्किन जो है हमारी स्मूथ हो रही है, ठीक है। ब्रश को ध्यान से फेरना, जैसे देखिए ब्रश पहले मैंने इस वाले एरिया के अंदर अच्छे से फेर लेना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए करनी है। तो मैं ब्रश को पहले कर लेता हूँ अच्छे से। थोड़ा सा फेर लिया, देन उसके बाद दबाया, एक साइड पे फेर लिया, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और इसको क्या करना होता है, देखिए जैसे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कि इनके अंदर आप डायरेक्ट ब्रश यूज़ नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ब्रश ऐसे ऐसे ऊपर कर दो तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसको अलग से करना है, ब्रश को छोटा करना है, इसको अलग से करना है, और ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको अलग से करना है। मतलब इसको आपने साइड से पहले थोड़ा सा ऐसे कर लेना और नीचे ऐसे चलाना है, एक साथ नहीं चलाना, ऐसे ऐसे नहीं चलाना, ख़राब हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान से करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इस ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने पहले ये वाला पार्ट अच्छे से कर लिया, देन उस अब मैं फ़्लो को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी थोड़ा सा फ़्लो को कम करके मैं यहाँ पे फेर रहा हूँ ताकि थोड़ा मैच हो जाए। फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कंसेप्ट था रीटचिंग का, यहाँ पे हमने ये कर दिया। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जैसे आपके अंदर, इसके अंदर देख सकते हैं ये कलर बैलेंस नहीं कर रहा अच्छे से, स्मूथनेस तो हो गई है लेकिन मैच नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ोटो पे क्लिक करना है। इस वाले फ़ोटो पे जब आपने क्लिक किया, कंट्रोल एल बटन प्रेस किया, लेवल्स आ गया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लेवल्स दिखेगा, तो लेवल आ गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको अंदर की तरफ देखिए, जैसे आप इसको, ये सेंटर वाला पॉइंट है ना, इसको पकड़ के
आगे की तरफ करेंगे तो ये थोड़ा वाइट हो रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको मैंने वाइट कर लिया, थोड़ा सा वाइट कर लिया ताकि स्किन थोड़ी अच्छी लगे, एंड मैं ओके कर रहा हूँ। अगर ब्रश यूज़ करेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका आप देख सकते हैं कि आपका वो जो चीज़ है वो यहाँ से हाईलाइट हो रही है, ठीक है, वहाँ से हो रही है। तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपने स्किन को स्मूथ करना है और रिटचिंग करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।